तो किस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? तीन पार्टियां हैं और सीएम फेस किसका होगा, इसको लेकर कोई विचार विमर्श होगा आप लोगों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चेहरा एक ही है, वो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, और परंपरा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब किसी प्रदेश में लंबे समय के बाद में सरकार बनाने के अपेक्षा के साथ में चुनाव लड़ती है, या पहली बार सरकार बनाने की अपेक्षा के साथ चुनाव लड़ती, कभी हमारे यहाँ फेसेस नहीं होते। उत्तर प्रदेश में जब 25 साल बाद में पिछले चुनाव में हम सरकार बनाने की दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे थे, तब क्या आप में से किसी ने कल्पना की थी कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे? जब उत्तराखंड में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि त्रिवेंद्र रावत भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, या महाराष्ट्र में जब हम सरकार बनाने के लिए गठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़ रहे थे, तब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, किसी ने कल्पना नहीं की थी। यह भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये परिणाम आने के बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ करके तय करेगा और विधायक दल बैठ करके तय करेगा। पर लगातार जिस तरीके से ज्वाइनिंग हो रही है, कई पूर्व मंत्री, एमएलए, एमपी जो हैं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी, केवल पूर्व नहीं, साधे हुए वर्तमान के भी बहुत सारे लोग आए हैं और आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी से भी, कांग्रेस पार्टी से भी, अकाली दल से भी भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खटखटाने वाले लोगों की श्रृंखला बहुत लंबी है, और ये अपने आप में इस बात का परिचायक है कि भविष्य लोग, राजनीति से जुड़े हुए लोग अपना भविष्य कहाँ देख रहे हैं।